राम। चलिए सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, इसलिए प्लीज जोनो हैंड्स क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओमकार थ्राइस। साई राम मैम साई राम। हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, क्या निराश हुआ जाए। ओके, उस पाठ को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग आप लोग कुछ बोल सकते हैं कि हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था, कुछ बोल सकते हैं हमने क्या क्या बातों को डिस्कस किया था। जो हमने मंडे को ये पाठ पढ़ा था तो हमने किन किन बातों पर चर्चा की थी, क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं। एक एक दो दो पॉइंट ही बताओ, बताओ तो सही पहले। इस तरीके से क्या ये तो नहीं होना चाहिए ना, मंडे को ही तो बता बोले। हाँ बोलो, जो भी बोलना है एक लाइन बोलो, दो लाइन बोलो, तो कम से कम हमें पता तो चले कि हाँ हम उसे मैं आगे बता कंटिन्यू। हाँ बोलो बोलो, शुरू करो। हमने मैम भारतवर्ष के बारे में लास्ट में चर्चा की थी कि हम भारतवर्ष को एक मानव महासमुद्र की उपाधि मिल चुकी है मैम, और मैम यहीं तक हमने चर्चा की थी मैम। मैम हमने जैसे ये हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि हमने कहाँ तक चर्चा की थी, वो तो हमें मालूम है। देखिए हमने क्या क्या चर्चा की थी वो बात हम जानना चाहते हैं। हमने मैम 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 ये मैम हमने मैम गांधी मैम गांधी जी और गांधी तिलक ठाकुर और मदन मोहन जैसे और स्वतंत्रता सेनानियों के सपने के बारे में हमने चर्चा की थी कि मैम वो कैसा क्या सोचते थे कि आजादी के बाद हमारा देश कैसा होगा। और मैम हमने भारतवर्ष के बारे में चर्चा की थी कि मैम भारत में हिंदू आवाज क्लियर मुस्लिम नहीं हो रही है अखिल आपकी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है अखिल। मैम और मैम पहले हमने मैम हाँ अभी पहले क्लियर मैम है। हमने मैम समाचार पत्रों में जैसे आजकल की जो मैम न्यूज़ आ रही है मैम डकैती चोरी मैम मर्डर वगैरह की मैम उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर मैम हमने उसके बाद मैम नहीं 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 आप तो एक सीधा सीधा बता रहे हैं कि हमने चर्चा की थी, लेकिन हमने क्या बात करी वो नहीं आप बता रहे हैं। कोई और बोलना चाहेगा? हाँ बोलिए, हाँ बोलो। मैम चाहिए से पहले जो भी बोल रहा है मैं उसको 2 बार बोल चुकी हूँ कि बोलना शुरू करो ना। हमने बोला है कि नाम बोला करो फिर बोला करो। मैम मैम मनु, हाँ मनु बोलिए। जो हम आपने ये बताया था कि मैम जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष ढूंढने लग जाते हैं, और उसके जो भी सारे गुण होते हैं उनको भुलाकर उनके जो दोष होते हैं उनको बड़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं। चलिए ठीक है, और चहित बोलो। मैम आपने मैम ये भी बताया था कि मैम मैम जो गांधी और तिलक और मैम चाहते थे कि हम मैम उन लोगों को राम राज्य चाहिए था मैम, जब भारत आजाद हो जाए तो मैम उसमें मैम गरीबी ना हो और मैम सब मैम अच्छे प्रेम से और मैम सबकी अच्छी भावनाएं रहे और मैम मैम चोरी और मैम ये सब ना हो, मैम चलिए क्राइम ना और हो। ओके, और कोई और भी बोलना चाहेगा? देखिए ये सब बातें आप एक पाठ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पाठ की बात कर रहे हैं। हमने चर्चा की थी कि आज वर्तमान समय में जो व्यक्ति इन समाचारों से या सामाजिक वातावरण से जितना परेशान है, निराश है,
जिस तरीके से आज का वातावरण बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, उसको लेकर वह उदास या निराश हो गया या डरा हुआ है, तो सबसे पहले हमने चर्चा यही की थी, है ना, कि डरा हुआ है, मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी आस्था कमजोर पड़ रही है, वो सोचता है कि जो ईमानदार है वो बहुत मुश्किल में है, जो बेईमानी करते हैं बहुत फल फूल रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, है ना, जीवन के महान मूल्यों की उपेक्षा हो रही है। तो ये सब चीजें हमने चर्चा की थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें क्या करना है कि हमें फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कारण कारण उसका यही है कि निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में भी आज भी लोग मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। हमारे समाज में वर्तमान परिस्थितियों में भी हम देख लें तो भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो मानवीय मूल्यों से युक्त हैं, उनमें मानवीय मूल्य समाहित हैं। फिर हम कैसे निराश हो जाएं, कैसे कह दें कि ये मानव महासमुद्र जो भारत का, जिसमें प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, भारत एक मिलन भूमि है, सारे धर्मों की, सारे संस्कृतियों का एक मिलन होकर भारतीय आदर्श प्रस्तुत करती है, ये सब हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। चलिए हम स्क्रीन को प्रेजेंट करते हैं और आपको आगे हम करेंगे। स्क्रीन हमारी दिखाई दे रही है आपको? आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, ओके, यस मैम। चलिए अब हमारा अब बात क्या आती है। अभी तक हमने किन किन बातों को पढ़ा? एक तो समाज की वर्तमान स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, ठीक है। फिर क्या है, जीवन के महान मूल्यों की उपेक्षा हो रही है, जहां पर हमारे महापुरुषों ने जिस तरीके के भारत की वो की थी, सपने देखे थे, वो भारत अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद भी क्या है कि देखिए, हमने जैसे चर्चा की थी ना, ईमानदार व्यक्ति और सुख की परिभाषा को बदल दिया गया है। कैसे सुख कैसा मानते हैं कि जिसमें बहुत सारे धन दौलत पैसा और हम सारी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, उसको हमने सुख मान लिया है। और ये सब चीजें नहीं है तो हम दुखी हैं, दुख है हमें। परंतु आज प्राचीन समय से लेकर हम यदि बात करें तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह मतलब समझते हैं आप लोग, माने हमारे लाइफस्टाइल में जीने के लिए बहुत सारी लग्जरी चीजें, हमारे जीवन को बहुत आसान और सरल बना देने वाली चीजें। कोई उदाहरण बता सकते हैं भौतिक वस्तुओं का, जिससे हम अपने जीवन को और थोड़ा लग्जरी बना लेते हैं, आरामदेह बना लेते हैं, वो भौतिक वस्तु है कौन कौन सी हो सकती है? वैक्यूम वैक्यूम क्लीनर, क्लीनर, ओके, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ओके, हाँ, मसाजिंग चेयर। भाई घर की जितनी भी सुविधाओं की वस्तुएं हैं वो सब भौतिक वस्तुएं ही हैं, चाहे वो पंखा हो, टीवी हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, घर में किचन के हो, कारें हो, गाड़ी हो, पर जितनी भी हम चीजें सुविधाओं की देखते हैं वो सब भौतिक वस्तुएं हैं। ये भौतिक वस्तुएं का संग्रह भारत ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। भारत ने कभी भी इन चीजों को मतलब मुख्य नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि भारत ने हमेशा क्या किया है, मानव के अंदर जो आंतरिक गुण है उसको महत्व दिया है, वही चरम और परम है, मतलब आत्मा, जो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा मतलब
एक ध्यान में यदि आप देंगे तो आत्मा व्यक्ति, जो व्यक्ति के जीवन में आनंद की प्राप्ति कराती है। हमने आपको पहले भी बोला था, मन और बुद्धि हमें किसके हवाले करनी है ना? मन और बुद्धि को हमें किसके हवाले करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। उन्हें प्रधान मान लेना, शक्ति, मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण होगा। परंतु ये चरम और परम, परम माने श्रेष्ठ, चरम माने एक अंतिम बिंदु, यानी ईश्वर, परमात्मा, इसको ही भारतवर्ष ने मुख्य माना है। माने व्यक्ति के अंदर ये बात बिल्कुल तय है। आज हम भी जब कभी ऐसा करते हैं तो हमें भी लगता है कि ईश्वर है जो हमें देख रहा है, इस बात को हम विश्वास रखते हैं। लेकिन जब हम अपने जो षड रिपु हैं, ये षड रिपु जो हमारे हैं, जो हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, उनके इशारों पर हम अपनी मनोबुद्धि को छोड़ देते हैं, तो निश्चित ही हमारा जो आचरण होगा वो बुरा होगा। क्योंकि मन जो है बहुत चंचल होता है, बुद्धि प्रैक्टिकल होती है, उसमें भाव नहीं होता है। भाव हृदय में होता है, आत्मा में होता है, और वही व्यक्ति का मुख्य है। तो यहां पर क्या है, भारतवर्ष कभी भी उनको उचित नहीं मानता है, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधने का प्रयत्न करता है। माने आपने देखा होगा हमारे प्राचीन इतिहास को, या रामायण महाभारत आपने क्लास 6th और 7th में पढ़ी है, तो कहते हैं ना, संयम माने कंट्रोल, नियंत्रण। हम यदि अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं तो निश्चित है हमारे आचरणों पर, हमारे बुरे चीजों पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। हमेशा देखिए, मेडिटेशन करते हैं हम क्लास में या असेंबली हॉल में, कि हम अपनी आंखें, हमारी जो है वो दिव्य ज्योति जो हमारी आंखों पर पहुंच गई है, या हमारे मस्तिष्क पर पहुंच गई है, वो सब शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। अब हम जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी बोलेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। इसका मतलब क्या है, हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है। कोई हमें, शायद मैंने आपको एक कहानी सुनाई होगी, याद होगा आप लोगों को, जब आप लोग क्लास 6th में आए थे तब हमने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, जब आप लोग बहुत शिकायतें करते थे एक दूसरे की। याद है कुछ कहानी साईराम? जब आप लोग क्लास 6th में आए थे तब आप लोग एक दूसरों की बहुत छोटी छोटी शिकायतें किया करते थे। फिर मैंने एक कहानी सुनाई थी, कुछ याद है आप लोगों को साईराम? नो याद है? मैम, ओके, फिर से सुन लीजिए, नो फिर से सुन लीजिए, मैम, वो छोटी सी गुरुजी कहानी। वाली, हाँ, गुरुजी वाली, किसको याद है ये? यस मैम, पलक, पलक, याद है ना गुरुजी वाली कहानी, कि यस मैंने तो लिया ही नहीं तो किसके पास रहा? मैं, यस मैम, वो सबको गाली, एब्यूजिंग वर्ड्स हाँ, यूज वो एक करते व्यक्ति आके गुरुजी हैं, को यस मैम, बहुत अपशब्द बोलकर बोलते जाता था, फिर तो गुरुजी उसके शिष्य कहते नाराज हैं, हो गए, है ना? तो हाँ गुरुजी ने कहा कि अपने शिष्यों से जाओ मिठाई लेकर आओ। मिठाई लेकर आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो बोले ये मिठाई किसके पास रही? तो शिष्य बोले मेरे पास। तो वैसे ही वो व्यक्ति मुझे बहुत कुछ बुरा बुरा बोलकर जाता है, लेकिन मैं लेता ही नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या है, हमने संयम को बरता हुआ है, हमने क्रोध को जीता हुआ है। देखिए, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, इन 6 शत्रुओं में क्या है, लोभ। लोभ क्या करता है, मतलब लोभ का मतलब होता है कि जो चीजें, लालच, नहीं, लालच एक अलग चीज है, लालच एक अलग है। लोभ और लालच में थोड़ी सिमिलरिटी है लेकिन इतना क्लोज नहीं है। लोभ का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के पास वस्तुएं होने के बावजूद भी वह व्यक्ति उसका उपभोग नहीं कर पाता है, वो उस खुद भी प्रयोग नहीं करता है और दूसरों को भी नहीं करने देता है। मोह माने किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, उस मोह के कारण भी व्यक्ति गलत कार्य करता है। काम माने इच्छाएं। अब हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं,
जब हम उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तब क्या होगा, हम गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। क्रोध, क्रोध तो व्यक्ति को की बुद्धि को हर लेता है। मद माने घमंड, घमंड अहंकार किसी चीज का, चाहे धन का हो चाहे शक्ति का हो, उसमें भी व्यक्ति पावर जो होती है उसका भी मिसयूज करता है। मत्सर माने आलस्य, ये छह शत्रु हैं। यदि हमने कंट्रोल कर लिया अपनी बॉडी को, मतलब अपनी इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को, तो निश्चित है क्या है, हम उससे जीत सकते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छी लाइन बताई गई है, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। माने जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, बीमार होता है तब उसको दवाइयां दी जाती है। वैसे ही माने जब इन सब चीजों की उपेक्षा नहीं की जाती, जितनी बार भी भूख लगती है इंसान उतनी बार भोजन करता है, जितनी बार वो बीमार पड़ता है उतनी बार वो दवाई लाता है, तो गुमराह को, अब देखिए यहां पर क्या कहा गया, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कभी कभी क्या होता है ना, अरे हमने तो उसे बहुत समझाया लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है, छोड़ो उसे, है ना। कोई घर का, परिवार का सदस्य या हमारे जान पहचान का या कोई अनजान व्यक्ति हम देख रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो गुमराह है। गुमराह मतलब रास्ता भटक गया है। तो हम क्या करते हैं, एक दो बार समझाते हैं और क्या सोचते हैं, अरे हमारे तो काम पूरा हो गया, हमने तो बहुत समझा दिया लेकिन अब रास्ता हम छोड़ देते हैं। नहीं, गुमराह व्यक्ति को वापस रास्ते पर लाने के उपाय जितने भी किए जाएं, जब तक कहते ना भूख जब तक खत्म नहीं हो जाती, हम कुछ कुछ खाते हैं, हम जब तक बीमार रहते हैं तरह तरह की ट्रीटमेंट कराते हैं, जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तब तक हम उसकी अपेक्षा नहीं करते। ऐसे नहीं करते चलो ठीक है अब नहीं ठीक हो रहे तो रहने दो, हम ट्रीटमेंट नहीं लेते। ऐसे ही गुमराह व्यक्ति के को ठीक रास्ते पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसे मार्ग दिखाना होगा, सन मार्ग पर वापस लाना होगा जब तक वो वापस नहीं आ जाता। अब क्या है, हुआ भी यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। अब देखिए कोटि कोटि माने करोड़ों, दरिद्र माने गरीब, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे COVID-19 के समय में सरकार के द्वारा गरीबों के लिए कौन कौन सी बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं कि कैसे भी उनके जीवन को सामान्य स्तर पर लाया जाए, है ना। तो बहुत सारे, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो, उनको उन्नत और सुचारू बनाने का लक्ष्य प्रेरित करते हैं। माने बहुत सारे कायदे कानून, बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिनसे कृषि के लिए क्या करते हैं, गरीब किसानों को बीज देना, उनके बिजली के बिल माफ करना, उनको कर्ज देना, उनको छूट देना, बहुत सारी चीजें। माने हर एक क्षेत्र में उन्नति और उसे सुचारू रूप, माने वो रेगुलर बनी रहे, ऐसा नहीं हो कि एक बार दे दिया फिर टूट जाए, फिर वो नियमित उनमें आ जाए, नियमितता आ जाए उसमें। ऐसे बहुत सारे योजनाएं आती हैं। परंतु देखिए शब्द यहां पर, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, आप देखिए एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे अभी हम, क्योंकि तुमको लेटेस्ट उदाहरण के साथ इसलिए समझाना चाहते हैं बात को जिससे तुम्हें समझ आ जाए। अभी जैसे देख लीजिए, आप लोगों ने न्यूज में कितने लोगों ने अच्छा सुना कि प्लाज्मा को बेचा जा रहा था बहुत बहुत कीमतों पर। मैंने सुना था, हाँ, कोविड के जो पेशेंट है जिनको प्लाज्मा डोनेट कर किया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है, मतलब लोग मुफ्त में डोनेट करके जा रहे हैं और वही वहां पर कालाबाजारी हो रही है। अभी हमने एक नया न्यूज सुना कि जो मेडिसिन जो कोविड पेशेंट के लिए होती है उनको स्टोरेज करना शुरू कर दिया गया मार्केट से। तो ये क्या है, तो ये वही है कि जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है, माने जिन लोगों को ये सौंपे जाते हैं इनके, इनको सुचारू और उन्नत बनाने के कार्य, चाहे वो शासन हो चाहे वो प्रशासन हो,
जिन लोगों को उनमें लगाया जाता उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, उनके मन में पवित्रता नहीं होती कि वो पूरे समय बहुत स्वस्थ और पवित्र मन से रहें। प्रायः वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, माने उनको किस कार्य के लिए ये सब धन पैसा योजना सामान क्यों सौंपा गया उनको, कि वह जो दरिद्र लोग हैं उनके जीवन को सामान्य गति दी जाए और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। माने जो पैसा इन योजनाओं में गरीब लोगों के लिए आता है उस पैसे को वह अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये जो चीजें हैं वो हमको एक जरिया बनाया गया है उन तक पहुंचाने के लिए। तो आज तक इतने सालों तक क्यों हमारी व्यवस्थाएं या हमारी जीवन स्तर जो है क्यों नहीं सुधर पाया, उसका रीजन ही यही रहा कि जिन लोगों को इस काम में लगना था उन लोगों ने ही वो काम नहीं किया, बल्कि उस पैसे का प्रयोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर लिया। अब तो इतना मीडिया है, इतना टेलीविजन है, दूरदर्शन है कि गरीब लोगों की जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार करते हैं, जिसलिए सामान्य लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। अन्यथा पहले कौन सी योजनाएं आई क्या आई पता भी नहीं चलता था उन लोगों को, तो ये सब कुछ इनके हिस्से में चला जाता था। अब आगे आता है, सबसे बड़ी बात क्या है, समाज में धर्म और कानून की स्थिति क्या है, क्योंकि ये सब चीजें इतना सब भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी ही मान लीजिए, यदि हमने जो पैसा किसी और के लिए आया उसमें ना लगाकर हमने अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर लिया तो ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट आचरण है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि समाज में धर्म और कानून की स्थिति बदल गई है, धर्म और कानून की स्थिति में बदलाव आ गया है। पहले क्या था, भारतवर्ष में कानून ही धर्म था, माने धर्म के अनुसार कानून था, माने धर्मों में जो गलत काम करने के लिए जिसके द्वारा गलत कार्य किया जाता था वो दंड का भागीदार होता था, वही धर्म था और धर्म और कानून में अंतर नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, एकाएक धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया, माने कानून बना दिया गया कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो ये दंड मिलेगा, ये अपराध करता है, पाप और अपराध में अंतर है। धर्म के द्वारा किए गए जो भी कार्य है वो पाप है, और जो भी कानून जो बना दिया गया नया कानून उसको यदि तोड़ते हैं तो वो अपराध है। हेलो, हाँ साईराम, अब आवाज आ रही है? कि हमारे अनेक कायदे कानून बना दिए गए, धर्म मतलब कानून और धर्म में अंतर किया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता पर कानून को दिया जा सकता है। आज सैकड़ों सैकड़ों लोग, क्योंकि कानून की जो एक त्रुटियां हैं उनका लाभ उठाते हैं। आप देखते हैं स्थिति कि कितने सालों से, यानी कितने मुकदमे हमारे कोर्ट में पड़े हुए हैं, लोग बेबस हो गए, लाचार हो गए, छोड़ दिए, सालों साल एक सही बात को सिद्ध करने के लिए सालों साल हम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते रहते हैं। तो क्योंकि उसमें जो त्रुटि है कानून में उनका लाभ उठाने में वो संकोच नहीं करते हैं, है ना, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि धर्म और कानून अलग अलग है। लेकिन एक बात और ध्यान है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि लेकिन आज भी हम समाज में बहुत सारी बातों को हम खोज सकते हैं या प्रमाण हमें मिलते हैं कि आज भी कानून धर्म से ऊपर नहीं है, आज भी कानून धर्म से ऊपर नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं
समाज के ऊपरी वर्ग में जो कुछ भी होता आ रहा है, लेकिन भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए कैसे दिखाई देता है कि बहुत सारे जो न्याय होते हैं, फैसले होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि धर्म की जीत। हमेशा एक बात कही जाती है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। तो यहां पर भी क्या है कि अभी भी बहुत सारे बेदब अवश्य गए हैं, ऐसा नहीं है कि नष्ट हो गए, वो नष्ट नहीं हुए, दब गए हैं। आज भी वह मनुष्य में मनुष्य से प्रेम करता है, माने आज भी आप बहुत देखिए वर्तमान के उदाहरण देख लीजिए, कैसे COVID-19 के समय में कैसे लोगों ने अपना खुद स्वयं अपने पैसों से लोगों की सेवा की, तो ये मानव प्रेमी तो हुआ, मानव का प्रेमी तो हुआ कि जहां पर मानव के लिए उन्होंने कार्य किए, मानवता के लिए। आप लोग भी महिलाओं का सम्मान करता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह महिलाओं का अपमान ही हो रहा है, बल्कि महिलाओं का सम्मान के भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझता है। आप खुद मानिए, आप लोग खुद भी इस पर ध्यान अपना एक मनन करिए, चिंतन करिए, क्या आप झूठ और चोरी को सच मानते हैं, अच्छा मानते हैं? मानते हैं अच्छा? नहीं ना। आप चोरी और उसको गलत मानते हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। यदि कोई दूसरा है उसको हम पीड़ा पहुंचा रहे हैं, देखिए हमारे 18 पुराण हैं वेद व्यास के द्वारा लिखे हुए, उनमें उन्होंने पूरे 18 पुराणों का एक समरी बताई। क्या पाप क्या है? दूसरों को पीड़ा देना। पुण्य क्या है? दूसरों का परोपकार करना, माने दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना, सहयोग करना। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य के लिए और पाप दूसरों को परपीडन पीड़ा, माने दूसरों को कष्ट देना पाप है। तो ये आज भी यदि हम ये सब चीजें सोचते हैं कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, गलत कार्यों को गलत समझना चाहिए, दूसरों को पीड़ा देने में कष्ट होता है, ये हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। आप स्वयं अनुभव करके देखिए, आप भी इसको गलत मानते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, माने जब कुछ गलत होता है समाज में, देश में, तो आप देखते होंगे कि जन आंदोलन होता है, लोग अपने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अपना आक्रोश प्रकट करते हैं। समझ में आया ना? जब कहीं कुछ गलत होता है वहां पर दूसरे लोगों के द्वारा या जन सामान्य के द्वारा यदि उसको एक्सपोज किया जाता है या अपना क्रोध उस पर प्रकट किया जाता है, अपने विचार उस पर रखे जाते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि गलत चीजों को गलत समझते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान का संग्रह करते हैं। माने आज भी हम उन चीजों का विरोध करते हैं। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से धन और सम्मान कमाया हुआ है, उनको हम कैसे उनके चेहरे को सामने उद्घाटित करते हैं, है ना? कोई उदाहरण बताना चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति था जिसने गलत तरीके से धन और मान कमाया, तो उसको उसकी प्रतिष्ठा को समाज के उन लोगों ने कम किया। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? साईराम कुछ कुछ तो बोलो भाई। चलिए ठीक है, लेकिन अभी कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं समाज में, बहुत सारे उदाहरण। अभी आप लोग सोच लीजिए कि इसके बाद ये पाठ जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही एक घटनाक्रम लिखने के लिए देंगे, कोई भी घटनाक्रम लेखन, है ना, उसको आपको लिखना होगा। टॉपिक हम देंगे लेकिन लेखन वाला कार्य भी शुरू होगा, बोलना लिखना ये सब भी शुरू होने वाला है आपका। चलिए
तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे पड़े रहते हैं जिनका सम्मान और प्रतिष्ठा कम की जाती है ना, गलत तरीके से करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यदि किसी में दोष है और उनको उद्घाटित करना, उनको सच्चाई, उनके समाज के सामने उनका असली चेहरा लाना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। माने क्या हुआ कि मतलब हम किसी की बुराई या दोष को इसलिए उद्घाटित कर रहे हैं कि जिससे हमें मजा आ रहा है, मजा आने के लिए। सोचो किसी कैसे हम मजा ले सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें क्या करना होता है, हम उसे बदनाम करना चाहते हैं, हम उसे साईराम या फिर हमारी कुछ निजी दुश्मनी है इसलिए हम उसे बदनाम करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि खुद फेमस होने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, है ना, किसी के बारे में वो चर्चा में आ जाते हैं। तो किसी के अब बहुत सारे चैनल्स भी इसी तरीके का काम करते हैं। तो यहां पर ये वो सिर्फ क्या कर लेते हैं कि दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। माने सिर्फ और सिर्फ मुझे उनके दोष ही बताने हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। माने यदि किसी व्यक्ति में दोष है, उनके अंदर बुराइयां हैं, उसमें रस लेना माने मजा लेना अपनी दुश्मनी के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपना मतलब कभी कभी कहते हैं ना हमारे अंदर ईर्ष्या होती है दूसरों के प्रति, तो हम उसको कैसे भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो सब गलत है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, माने दोषोद्घाटन करो, किसी के अंदर कुछ गलत है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, परंतु वह कहीं गलत दिशा में ना हो जाए। जब तक हम उसकी सत्यता प्रमाणित ना हो जाए तब तक उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बहुत अधिक बहुत सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और कही लेखक ने, क्या कहा, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। माने कुछ लोगों की अच्छाइयां हैं, कुछ लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं और यदि हमें पता है, हमने उन्हें सुना है और फिर हम शांत बैठे हुए हैं, तो ये तो और भी बुरी बात है। लेखक का मानना है कि जितनी अधिक समाज में अच्छाइयों के जो उदाहरण पड़े हुए हैं उनका प्रचार प्रसार जितना ज्यादा अधिक होगा, उतना ही लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। माने लोक चित्त माने लोगों के मन में, जैसे अभी क्या हमारे मन में है कि हर तरफ एक निराशा का भाव है और फिर क्या हो रहा है कि एक डर है। जब अच्छी अच्छी बातें हम सुनेंगे कि समाज में ये अच्छी घटना घटित हुई, ये अच्छी घटना घटित हुई, ये अच्छी घटना घटित हुई, तो हमारे मन में भी एक अच्छी सोच, अच्छी एक आशावादी हम बन जाएंगे। यहां पर लेखक ने अपने दो उदाहरणों के माध्यम से ये बात बताई है। पहला उदाहरण उन्होंने क्या दिया, लेखक भी डरे रहते थे, उनके मन में भी निराशा का भाव था, लेकिन लेखक ने बताया कि उनके साथ ही दो घटनाएं ऐसी घटित हुई, घटनाएं तो बहुत घटित हुई, अच्छी भी और बुरी भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उन अच्छी घटनाओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिससे लोगों के मन में भी ये रहे कि हाँ अभी आशा है, जीवन की आशा है। तो उन्होंने क्या देखा, पहली उन्होंने क्या घटना घटित हुई इनके साथ में कि जब वह एक बार वह बहुत जल्दी में रेलवे स्टेशन गए और वहां उन्होंने एक टिकट खरीदा, उनको 10 रुपए देने थे और 10 रुपए देने की जगह उन्होंने 100 का नोट दे दिया और फटाफट से आके गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो टिकट बाबू था वो सेकंड क्लास में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानता हुआ लेखक के सामने आ गया और बड़ी विनम्रता के साथ 90 रुपए उनके हाथ में रख दिए और बोले कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी,
माने सेटिस्फेक्शन था और उस में गर्व था उसे, मैं चकित रह गया। अभी तक तो मैं जो समाचार पत्र पढ़कर इतना उदास हो जाता था, निराश हो जाता था, लेकिन जब वह टिकट बाबू मुझे ढूंढता हुआ आया और मुझे 90 रुपए वापस किए, देखिए पता तो चल जाता है ना, पता तो चल जाता कि मैंने 100 रुपए दिए कि 10 रुपए दिए, क्योंकि लेकिन वो 90 रुपए रखने के बाद उसका क्या रहता। लेकिन जब वो वापस करके गया तो जिस टिकट बाबू ने वापस किए उस टिकट बाबू के चेहरे पर बहुत संतुष्टि थी, बहुत गर्व था उसे, उसके अंदर एक अच्छा फील कर रहा था वो। मैं चकित रह गया, उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस समय को मैं इतना माहौल वातावरण को इतना गलत बता रहा हूं, उस समय में ऐसे लोग भी हैं। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी ही अनेक अवांछित घटनाएं हुई हैं, माने अवांछित माने जो मैंने चाही नहीं थी। अभी भी देखते हैं आप लोग, बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि ऑटो रिक्शा में किसी का पर्स रह गया या किसी का सामान रह गया तो ऑटो रिक्शा वाला वापस उसे छोड़ने है ना देकर आया। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हमको देखने सुनने को मिलती हैं। तो लेकिन अवांछित घटनाएं भी घटी। लेखक ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ सिर्फ अच्छी अच्छी घटनाएं हुई, अवांछित माने जो हमने नहीं चाही, ऐसी घटनाएं भी घटी। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली थी, अधिक शक्तिशाली थी। माने इसका प्रभाव मेरे मन पर ज्यादा पड़ा। उन्होंने एक बार बताया कि और एक बार उन्होंने बताया कि एक बार वो बस से सफर कर रहे थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। बस की हालत बहुत खराब थी, रुक रुक कर चलती थी। 8 किलोमीटर पहले ही जहां पहुंचना था वहां से पहले वो खराब हो गई। अब क्या हुआ, वो जगह बहुत सुनसान थी। बस ने जवाब दे दिया और रात के 10 बज रहे थे। बस में यात्री सब घबरा गए। वहां पर जो कंडक्टर था वो उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। अब लोगों को क्या संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि कारण ये था कि पहले कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि निर्जन स्थान पर बस खराब हो गई, सुनसान जगह पर बस को डाकुओं ने लूट लिया, मार दिया। इस तरीके की अनेक घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं, तो लोगों के मन में एक डर है। बस में बैठे वो लोग तरह तरह की बातें करने लगे, यहाँ पर डकैती होती है, बस को लूटा जाता है। अब परिवार के साथ लेखक अकेला है, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे हैं लेकिन पानी का कोई ठिकाना नहीं। ऊपर से आदमियों का डर, मतलब जो लोग डकैती डालने आ सकते हैं, बदमाश आ सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों का। अब उसमें जो बैठे हुए थे कुछ यंग नौजवान, उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया और कहा कि मैं इसे मारूंगा, क्योंकि कारण उन्हें क्या लग रहा था कि कंडक्टर तो पहले ही चला गया और ड्राइवर और कंडक्टर उसमें मिले हुए हैं, शामिल हैं, इसलिए उन्होंने यहां पर बस को रोक दिया है। और कंडक्टर जो है वो चला गया है कहां पर, वो डाकुओं को सूचित करने के लिए। बड़े लेकिन ड्राइवर बहुत डरा हुआ था, लेखक की तरफ देख रहा था कि कुछ भी करो मुझे बचा लो। डर तो लेखक के मन में भी था, परंतु लेखक ने सबको समझाया कि नहीं नहीं अभी ऐसा मत करो, देखते हैं, देख लेते हैं, थोड़ी इंतजार कर लो, इस तरीके से सबको। लेकिन सबने उसको घेर कर रखा कि यदि कुछ हमारे साथ गलत हुआ तो हम इसको मार देंगे। लेकिन क्या देखते हैं, थोड़ी समय के बाद ही वहां पर कंडक्टर आया एक दूसरी बस लेकर और बोला मैं बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, चलिए सब लोग इसमें बैठ जाइए। और लेखक के बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध और पानी भी लेकर आया, उसका मुझे बच्चों का देखा नहीं जा रहा है। मतलब ये सब चीजें देखकर लेखक यात्रियों को धन्यवाद दिया, ड्राइवर। लेकिन देखिए जितने भी जो नौजवान थे ड्राइवर के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उन्होंने फिर उनसे माफी मांगी। ये भी एक तरीका होता कि हमसे गलती हो गई, हम उसके लिए माफी मांगे। सब पहुंच गए अपने घर। मन में क्या था कि ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर ये बस में कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है इस तरीके से। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ, कंडक्टर एक नई बस लेकर आया, उस बस में बैठे सारे लोग घर पहुंचे। अब देखिए कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि उन लोगों में दया माया नहीं रह गई है। यदि दया माया नहीं होती तो शायद उनके बच्चों का रोना होना उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं
जिन्हें मैं भूल नहीं सका है। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। अच्छा, ये बात हर एक व्यक्ति अपने पर्सनल जीवन को देखे तो एक या दो बार उसने कहीं धोखा खाया होगा, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा जीवन धोखे में ही बीता हो, है ना। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम है नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। मतलब कि डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी समय इतना खराब नहीं हुआ है, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, यहां पर कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रार्थना है, प्रार्थना गीत में उन्होंने भगवान से क्या कहा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो सबसे पहले हम कहां प्रश्न उठाते हैं, ईश्वर पे। पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है, हमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया और हमारे साथ ये गलत हो गया, करते हैं कि नहीं करते हम। साई राम, साई राम, यही तो हम करते हैं, यही तो हम करते हैं कि हमारे साथ, है ना। तो मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं। मतलब विधियां माने कानून, नियम कानून, मनुष्य ने जो नियम कानून बनाए हैं उनके नतीजे गलत हो सकते हैं, तो उन्हें बदलना होगा, माने कानून में परिवर्तन लाना होगा। ये नहीं है कि कानून समय के अनुसार कानून में बदलाव ना आए, कानून बदलना होगा जिससे लोगों में एक डर पैदा हो, है ना। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, माने उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है, बनी रहेगी, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बताइए, कुछ बोलना है, क्योंकि अभी तो ये पार्ट दो वीक और चलेगा, तो उसके बाद ही कंप्लीट होगा, इतने जल्दी है कंप्लीट नहीं होने वाला है, है ना। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है। No, ma'am.